कल लखनऊ में अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी रहे हैं और करीब 25 साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब ये दोनों ही धुर विरोधी एक मंच पर एक साथ होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और माना जा रहा है कि दोनों के ही बीच गठबंधन का ऐलान कल हो जाएगा। हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये गठबंधन अब तक की जो खबरें हमें मिली है कांग्रेस के बिना ही होने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन का ऐलान किया गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव है, ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में हालात तो भागते हुए दोनों धुर विरोधी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जब यह औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि दोनों ही पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिल रही है, यूपी में सीटों का बंटवारा भी हो गया है 37-37 सीटों पर। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं, 37-37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं दोनों ही पार्टियां और 4 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। मायावती और अखिलेश के बीच गठबंधन का ऐलान लगभग तय माना जा रहा है। कल दोपहर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होने वाली है। जब यह ऐलान हो जाएगा कि दोनों ही पार्टियां मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, वही चुनाव जो इस साल 2019 में बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखिए गठबंधन का फॉर्मूला किस तरीके का हो सकता है, ये हम आपको समझा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो सूत्रों के मुताबिक 37-37 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आपसी सहमति के मुताबिक चुनाव लड़ सकती हैं। अजीत सिंह जो कि आरएलडी से हैं, उनकी 4 सीटें उनको दी जा सकती हैं। हम आपको ये बता रहे हैं लगातार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में गठबंधन का फॉर्मूला क्या रहेगा। कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ सकते हैं, यानी गठबंधन को लेकर हम लगातार आपको जो खबर बता रहे हैं, जिस गठबंधन की हम आपको बात बता रहे हैं उसमें कांग्रेस का अब तक जिक्र भी नहीं किया गया। अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार नहीं होगा, यहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में यहां पर इन दोनों पार्टियों ने यह तय किया है कि यहां पर दोनों पार्टियों का उम्मीदवार नहीं होगा। गठबंधन का फॉर्मूला हम आपको लगातार समझा रहे हैं 2014 में, अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि आखिरकार यूपी में गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। 2014 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, दोनों ही पार्टियों की, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की करारी हार हुई थी। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि गठबंधन की जरूरत पड़ी क्यों। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था, तो इतना बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिला था 2014 के लोकसभा चुनाव में। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों ही पार्टियों का बुरा हाल था। यही माना जा रहा है कि गठबंधन की जरूरत ऐसे में पड़ी। 2017 के नतीजे क्या थे, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी और बहुजन समाजवादी पार्टी को महज 19 सीटें मिली थी। पंकज झा लखनऊ ब्यूरो के हमारे संपादक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, कितना अहम माना जाए इस गठबंधन को जब दोनों ही राजनीतिक धुर विरोधी एक मंच पर एक साथ दिखने वाले। देखिए ये दोनों ही पार्टियों के लिए, अखिलेश यादव और मायावती के लिए सर्वाइवल की बात थी। जैसा आप खुद आंकड़े बता रही थी, 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए, जब बीएसपी खाता नहीं खोल पाई और समाजवादी पार्टी परिवार में 5 सीटों पर सिमट गई थी। फिर विधानसभा चुनाव आया 2017, हालत और खराब हो गई। अब दोनों के पास कोई विकल्प नहीं बनता था। और जो कहते हैं ना कि जनता के बीच में थर्मामीटर डाल दीजिए तो पता चल जाता है कि क्या मूड है, तो गोरखपुर और फूलपुर ये जो लोकसभा के उपचुनाव साथ साथ हुए थे और यहाँ पर जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया तो दोनों ही सीटें जो है वो बीजेपी हार गई। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ खुद हुआ करते थे, तो दोनों के पास ही गवाने के लिए कुछ था नहीं इससे ज्यादा, अखिलेश यादव मायावती के पास। और ये मोदी को रोकने के लिए जो गठबंधन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया गया है। और जाहिर सी बात है, दो बड़ी पार्टियां यहाँ की, यूपी की बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के मिल जाने से ही राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बहुत बदल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंकज, यूपी की राजनीति को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, तो आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस गठबंधन का आप किस तरीके का असर होता हुआ देख रहे हैं। अगर औपचारिक ऐलान हो जाता है, 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, पिछली बार के जो नतीजे थे उससे कितने उलट नतीजे इस बार देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी तो कहना मुश्किल है, और दोनों ने ही, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बहुत रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग रखा है। और उसके पीछे का इन दोनों ही पार्टियों ने तर्क ये दिया है कि एक समाज ऐसा है जो सपा बसपा को तो वोट नहीं करता है और वो कांग्रेस को वोट कर सकता है, और अगर कांग्रेस इनके साथ गठबंधन में रही तो वो वोटर बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो इन लोगों ने कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग रखा है। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के एक साथ अगर दोनों के वोट शेयर देखें 2014 के या 2017 के चुनाव में, तो बहुत कम नहीं हुए हैं, लगभग उसी के आसपास में रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर अचानक से 2014-2017 में बढ़ गया है। हालांकि दोनों के वोट शेयर से एक जोड़ एक दो नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है
कि दोनों ही पार्टियों के मिल जाने से बीजेपी के लिए भी किसी भी सीट पर बहुत मुश्किल होगा। 20 से 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों का मुसलमान और यादव भी मिल जाते हैं या मुसलमान एससी ही मिल जाते हैं तो 50% से ऊपर चले जाते हैं, उन सीटों का क्या होगा। तो अगर सामाजिक समीकरण जातिगत समीकरण के तौर पर इस गठबंधन को तोले बीजेपी के मुकाबले में तो बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल होता दिख रहा है दिल्ली का। पंकज जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन जी आपको रोकने के लिए देखिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, धुर विरोधी एक मंच पर आ गए हैं, क्या असर होगा इसका? देखिए प्रतिमा जी आप भी जानते हैं और पंकज जी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद को नकारा है। उपचुनाव को छोड़ दीजिएगा, उपचुनाव की चर्चा नहीं करेंगे हम। जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे और 14 और 17 के बीच में जो उपचुनाव हुए थे उनको भी हम हारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब 17 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सारे जातीय समीकरणों को ध्वस्त किया था। हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो जाति के आधार पे काम नहीं किए, वो सबका साथ सबके विकास के आधार पे काम किए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सबका साथ सबका विकास फिर से जीतेगा। प्रतिमा जी अगर चंद्रमोहन जी डिप्लोमेटिक आंसर ना दें तो सीधे सीधे बताइएगा, क्या बिल्कुल भी नुकसान होता हुआ नहीं देख रहे हैं आप पार्टी को? नहीं हम कोई नुकसान होता नहीं दिख रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक उत्तर नहीं दे पाता हूँ मैं। पंकज जी भी इस बात को जानते हैं, आप भी जानते हो इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंद्रमोहन जी बता रहे हैं सीधा सीधा नकार रहे हैं, कुल मिलाकर उनका कहना है कि इस गठबंधन का कोई भी नुकसान बीजेपी को होता हुआ इनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो अब 2019 के नतीजे साफ कर देंगे कि गठबंधन कितना काम आता है और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाता है। अब आपको आंकड़ों के जरिए हम ये भी दिखा देते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल किया था उसमें हमने बताया था अगर यूपी में महागठबंधन होता है तो किस तरीके के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में देखिए लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं जिसमें अगर महागठबंधन होता है तो एनडीए के खाते में 28 सीटें, महागठबंधन के खाते में 50 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। तो कांग्रेस तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कुल लोकसभा सीटें 543 और वहां पर महागठबंधन का किस तरीके का असर होता हुआ दिखेगा ये देखिए, 247 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, यूपीए के पास 171 सीटें और अन्य के खाते में 125 सीटें आती हुई दिख रही हैं। ये ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज का है। चलिए इस पर और ज्यादा इस पूरे गठबंधन को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का जहां मेरी सहयोगी कुमकुम बिनवाल मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही के साथ। जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। दो दशक पहले यूपी की राजनीति से जब नारा निकला तो देश की राजनीति पलट कर रख दी है। हमारे साथ विजय विद्रोही लगातार मौजूद है। हम तमाम तरह की बातें विजय जी पिछले आधे घंटे से सुन रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि 20-25 साल पहले वो जो एक लहर चली कि कमंडल उड़ गया और मंडल छा गया, वैसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है यूपी में? देखिए कुल मिला के जो लखनऊ से जो चीज़ निकली है वो दूर तक जाएगी, ये बात तो स्वाभाविक है। आज ही दिल्ली में बीजेपी का महाधिवेशन शुरू हो रहा है और महाधिवेशन शुरू होने से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हो रहा है। ये गठबंधन सिर्फ कागजों में नहीं हो रहा, बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया हुआ गठबंधन है। एक एक सीट पर विचार विमर्श किया गया है। दोनों पार्टियाँ कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखना चाहती, पहले से उन्होंने ये भी तय कर रखा था कि 2 से ज़्यादा कांग्रेस की उनकी नज़र में उस रूप में औकात नहीं है। मुझे लगता है फ्रेंडली फाइट हाथी भी थी दोनों पार्टियां की, फ्रेंडली फाइट भी हो और जैसा कि पंकज भी बता रहे थे और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि वो लोग जो कि नेशनल पार्टी को ज्यादा वोट करना पसंद करते हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प बीजेपी की टक्कर में नहीं। उनको इन दोनों पार्टियों को सपा और बसपा को लगता है कि कांग्रेस अलग से लड़े तो वो सवर्ण कुछ वोट ले जाएगी और उससे कुल मिला के नुकसान कुल मिलाकर बीजेपी का ही होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मोदी को रोकने के लिए जो बात की जा रही थी कि हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन हो, क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठबंधन हो, मुझे लगता है वो सिलसिला शुरू हो रहा है। और उत्तर इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के अंदर भी महागठबंधन की बात सामने आएगी। एनसीपी के साथ कांग्रेस वहां गठबंधन कर रही है और बीजेपी के 16 जो सदस्य थे जो उनके साथी थे एनडीए के वो उनका साथ छोड़ कर गए हैं। तो ऐसे में जब गठबंधन की राजनीति है, जब जाति की राजनीति है, जब मजहब की राजनीति है तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि राज्यवार इन लोगों से टकराना। केंद्र में मोदी वर्सेस राहुल बीजेपी के लिए एक बड़ी आदर्श स्थिति है, लेकिन राज्यवार क्षेत्रीय पार्टियों से टकराना मुझे लगता है कि उसका तोड़ इस अधिवेशन में निकालना पड़ेगा। हमारा पोल जो हम दिखा रहे थे दर्शकों को वो बता भी रहा था कि एनडीए और यूपीए में कितना फर्क आ जाता है जब ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं। और आप देखिए अन्य और यूपीए का जो आंकड़ा है वो बड़ा जबरदस्त बन जाता है, जिसे जादुई आंकड़ा कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति अगर बनती है निकट भविष्य में
तो मायावती के जो अम्ब्रेला माना जाता है कि मायावती एक डार्क हॉर्स बनकर निकल सकती है, मायावती प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे प्रबल दावेदार बन जाएंगी, ऐसी कोई स्थिति बनती दिख रहे हैं आप? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है अभी कहना, ये तो देखना पड़ेगा कि नंबर गेम आखिर में किसके पास कितनी सीटें आती हैं। कुल मिला के इस समय की स्थिति ये कि सिर्फ दो ही पार्टियां 100 क्रॉस कर सकती हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो स्वाभाविक तौर पर या तो बीजेपी का प्रधानमंत्री होगा या कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा, अम्ब्रेला होगा तो कांग्रेस का ही होगा। आज की तारीख में मुझे लगता है, लेकिन कल को क्या कहानी बनती है, क्या कांग्रेस की सीटें 100 के आसपास आती हैं लेकिन वो किसी देवगौड़ा वाला दौर सामने आ सकता है, चरण सिंह वाला आ सकता है, मोरारजी देसाई वाला दौर सामने आ सकता है, या कोई भी और हम कह सकते हैं कि चरण सिंह वाला या फिर आई के गुजराल, ये सब ऐसे डार्क हॉर्स रहे हैं हमारी राजनीति में जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 25-30-40-50-60 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और बड़ा दिलचस्प, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है विजय जी कि 4 सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं और आरएलडी को सीटें मिलेंगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही मिलेंगी। इन सब के बीच देखिए बीएसपी की तरफ से एक बयान आया है, सुनिए। He has come to power. This is continuing and this is one of the reasons why the BJP is going to be trounced and they will lose this election. को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो कमेटी है उनके पद से हटाने का फैसला किया है सीबीआई प्रमुख के पद से। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन सीबीआई चीफ आलोक वर्मा जी को जो अब नहीं रहे हैं सीबीआई चीफ, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से दे दें, कल मायावती और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है लखनऊ में दोपहर 12 बजे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, दो राजनीतिक धुर विरोधी जो एक मंच पर कभी नहीं दिखाई दिए पिछले 25 सालों में, वो एक साथ आ रहे हैं एक मंच पर जब गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिरकार यूपी में गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी की करारी हार हुई थी, समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी वो भी घर पे ही आई थी और बीएसपी को कोई सीट नहीं हासिल हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव का भी आपको हम बता दें कि बुरा हाल था दोनों ही पार्टियों का, यहां पर भी दोनों ही पार्टियों ने बड़ा बुरा प्रदर्शन दिखाया था और 2017 में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें हासिल हुई थी और वहीं बीएसपी को मात्र 19 सीटें ही मिल पाई थी। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं गठबंधन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब ये भी समझ लीजिए। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक 80 में से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच 37-37 सीटों पर लड़ने के लिए सहमति बन चुकी है। अजीत सिंह जो कि आरएलडी से हैं उनको 4 सीटें दी जा सकती हैं और ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी जा सकती हैं, वो 2 सीटें होंगी अमेठी और रायबरेली। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी जा रही हैं और कांग्रेस के बिना यह गठबंधन होगा। कल एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी जब दोनों धुर विरोधी एक मंच पर होंगे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल दोपहर 12 बजे का इंतजार हम सभी को रहेगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।